आप सभी को सत श्री अकाल। और आज हम दरबार में आए हैं, दर्शन करने जा रहे हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी दिखानी है, तो सबसे पहले हम दर्शन करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे हम कहाँ आए हैं आज। तो फ्रेंड्स, बाबा जी के दर्शन हो गए बहुत अच्छे से और हम आए हैं हेमकुंड साहिब ऋषिकेश में। बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है ये, इतने श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात जो हमें, क्योंकि हमारे ही सब्सक्राइबर्स ने हमें बताया था कि हम उन्हें पूछा था हमसे कि हम उन्हें बता दें कि हेमकुंड साहिब की यात्रा कब शुरू हो रही है, तो हमने वो कन्फर्म किया है। अभी 10 मई को वहाँ के दरबार खुल रहे हैं और यात्रा शुरू है 10 मई से। तो यहाँ से जो पहला जत्था जाएगा वो 7 या 8 मई को यहाँ से रवाना हो जाएगा। तो आप लोग आइए और बस जल्दी से अब दर्शन करने आप जा सकते हैं। आपको मैंने बता दिया है कि क्या डेट्स हैं, तो आप अपना प्रोग्राम प्लान कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर इन्होंने म्यूज़ियम बनाया हुआ है। ऐसे लग रहा है कि ये सब, मुझे पास से अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे एकदम से मुझे लगा था ये असली हैं, लेकिन ये एक्चुअली सब स्टैचूज़ हैं। और बहुत अच्छे से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, जिस तरीके से जो ये बनाया हुआ है सब कुछ हमें पता चल रहा है कि वो क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरह की गुरुद्वारे में सेवाएं चलती रहती हैं और यहाँ पर कुछ इस तरह के फंक्शंस या कुछ प्रोग्राम्स होते रहते हैं जिनके लिए ये इस तरह के हॉल्स बनाए हुए हैं। इवन हमने यहाँ पर कई फंक्शंस अटेंड भी किए हैं और कई ऐसे प्रोग्राम्स थे जो यहाँ पर जब प्रोग्राम हुआ था तो हमने खुद अटेंड किए थे। देखिए फुली एयर कंडीशन है ये और यहाँ पर खाने का पूरा बुफे सेटअप हो जाता है, तो काफ़ी सारे लोग एक साथ यहाँ पर आ सकते हैं। और वॉशरूम्स भी इवन यहाँ अंदर ही दिए हुए हैं। कितना बड़ा पॉन्ड है और देखिए बहुत बड़ी बड़ी मछलियां यहाँ पे दिख रही हैं हमें, ऑरेंज कलर की। बाहर मेन रोड से देखने पर ये लगता नहीं है कि अंदर इतना बड़ा एरिया है, लेकिन ये लगभग 5 हेक्टेयर में फैला हुआ है पूरा जो गुरुद्वारे का प्रमाइसेस हैं। और यहाँ पर बेसिकली आज हमारा विजिट करने का पर्पस यही था, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आते रहते हैं, जिनको यहाँ के बारे में पता है, वो तो सब जानते ही हैं कि यहाँ पर अकोमोडेशंस भी होती हैं और यात्रियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं यहाँ दी जाती हैं। यहाँ इवन सिर्फ इसी गुरुद्वारे में नहीं, आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए,
आपको हमेशा सेवा भावना जो इनकी होती है, इस तरीके से यहाँ पर कभी यात्रियों को कभी कोई परेशानी नहीं होती है। इवन आपको सोच कर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुला दरबार है, जब मर्जी आइए, जैसे भी आइए, और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी हम आपको कुछ आज जो यहाँ पर अकोमोडेशंस हैं, किस तरह की अकोमोडेशंस हैं, वन नाइट स्टे आप यहाँ कर सकते हैं। जब भी आप आते हैं या यात्रा के लिए जैसे आगे जाना होता है तो यहाँ से भी बसेस बनकर जाती हैं, शुरू होकर यहीं से जाती हैं, तो आप यहाँ पर नाइट स्टे लेकर कहाँ कहाँ पर रुकती है वो सारी डिटेल्स हम आपको अभी देंगे। और हम आपको पहले रूम्स दिखाते हैं कि किस तरह के यहाँ पर रूम्स हैं, आइए चलते हैं। और देखिए सबसे पहला रूम हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही साफ़ सुथरा, देखिए बेडिंग वगैरह सब बहुत प्रॉपर लगी हुई है। इवन 1, 2, 3 लोग यहाँ बेड पर, और एक ये मैट्रेस अलग से दिया हुआ है, तो 4 से 5 लोग इस कमरे में रह सकते हैं। और सिर्फ 500 रुपये की पर्ची कटती है इस रूम के लिए, जिसमें आपको अटैच वॉशरूम भी मिलता है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। तो मैं दिखाना चाहूँगी आपको, और देखिए बहुत बड़ा मिरर भी दिया हुआ है रेडी होने के लिए, तो यहाँ पर अच्छा सामान रखने के लिए काफ़ी जगह है। खिड़कियाँ दी हुई हैं तो फ्रेश एयर के लिए, इवन रूम में अंदर आकर बिल्कुल भी सफोकेशन वाली कोई चीज़ नहीं है, बहुत अच्छा है, इवन ठंडा है रूम। इस पूरे विंग में 30 रूम्स हैं, जिसमें 2 बेड 3 बेड 4 बेड हर तरह की कैटेगरीज है। और यात्री यहाँ पर लगभग पूरे प्रमाइसेस में अगर आप काउंट करेंगे तो 4000 यात्री एक साथ यहाँ पर रह सकते हैं। और देखिए ये पूरा यहाँ पर विद्यालय बनाया हुआ है बच्चों के लिए, जहाँ से दूर दूर से बच्चे आते हैं, उनका रहना खाना स्कूलिंग सब यहाँ पर होती है। बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा एरिया बनाया हुआ है उनके लिए। और देखिए ये रूम है विद एसी फैन यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत नीट एंड क्लीन है। सफाई देखने से ही मुझे समझ में आ रही है कि यहाँ पर हर चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर लगभग 8 से 10 लोग इजीली यहाँ पर रह सकते हैं इस कमरे में। 4 ये मैट्रेस दिए हुए हैं, उनके लिए अलग से बेडशीट्स दी हुई हैं, ब्लैंकेट्स अलग से दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इस कमरे में अगर आप 8 से 10 लोग रुकते हैं तो उसके लिए उन्होंने वॉशरूम का भी ध्यान रखा है, और इसीलिए 2 टॉयलेट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा एरिया है ये, इवन 2 बड़े मिरर भी लगाए हुए हैं, और देखिए टॉयलेट्स बहुत ही नीट एंड क्लीन और स्पेशियस हैं। नंबर ऑफ पर्संस की यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस रूम की आपको लगभग 1500 की पर्ची आपको कटानी होती है, जिसमें आप 8 से 10 लोग रह सकते हैं, तो पूरी एक बड़ी फैमिली यहाँ पर रह सकती है। तो ये एसी विंग है, और इसमें 11-11 करके 3 फ्लोर हैं, तो 33 रूम है टोटल, सभी एसी रूम्स हैं। रूम वैसे तो देखिए यात्रियों को जब भी यात्रा करने निकलते हैं ना, तो सोचना नहीं चाहिए, निकल जाना चाहिए बिंदास, क्योंकि यहाँ पर ऐसी सुविधाएं दी गई हैं। अगर आप कुछ नहीं भी सोचकर आ रहे हैं, यहाँ पर इनके पास फ्री अकोमोडेशंस भी है, जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, जिनका कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि ये सेवा भावना है। अगर आपको कुछ लग्जरी चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा पे करना पड़ता है, ये क्योंकि एसी है, एसी चलेगा तो ऑफकोर्स खर्चे भी होते हैं, तो उसके लिए इन्होंने चार्ज रखा हुआ है। लेकिन बट स्टिल अगर आप देखेंगे कि 8 से 10 लोग अगर 1500 रुपये डिवाइड करेंगे तो बहुत मिनिमम चार्ज है। और देखिए ये उसी विंग के बिल्कुल सामने दूसरा विंग है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पर, लेकिन मैंने एक रिक्वेस्ट करके रूम देखना चाहा है यहाँ पर, क्योंकि ये भी एसी रूम है, और ये 1100 रुपये का रूम है, जिसकी 1100 रुपये की पर्ची कटती है, और यहाँ पर इजीली एक्स्ट्रा मैट्रेस के साथ यहाँ पर 4 लोग रह सकते हैं। अटैच वॉशरूम इसके साथ भी है, और देखिए थोड़ा सा इस रूम में साफ़ सफाई इसीलिए कम है क्योंकि अभी अंडर मेंटेनेंस चल रहा है,
लेकिन स्पेशियस है। और देखिए हर ब्लॉक में जहां पर ज्यादा फ्लोर है इन्होंने लिफ्ट भी लगाई हुई है, तो अगर कोई ज्यादा एजेड पर्सन है या फिर व्हील चेयर पर आते हैं तो उनके लिए भी ग्राउंड फ्लोर से अपर फ्लोर तक लिफ्ट लगाई हुई है। ये बहुत अच्छी सुविधा है जो होनी बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर हम बात करें फूड की, तो लंगर तो 24 घंटे यहाँ पर चलता है। कोई रात्रि रात को 12 बजे 2 बजे भी आता है तो भूखा नहीं सोएगा, खाना उसको हमेशा मिल जाता है। और देखिए हम आ गए हैं अब ये इस विंग में जहाँ पर ये एक बड़ा हॉल है और इसी के ऊपर कुछ रूम्स भी बने हुए हैं जहाँ पर यात्रियों से कुछ मांगा नहीं जाता है, अपनी श्रद्धा अनुसार आप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अदरवाइज आप देखिए 400 से 500 लोग यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि उनके लिए मैट्रेस प्रोवाइड किए जाते हैं, बेडशीट दी जाती है और साथ में अटैच यहाँ पर कुछ वॉशरूम्स भी बनाए हुए हैं। तो लेडीज़ और जेंट्स के अलग अलग वॉशरूम्स बने हुए हैं यहाँ पर। सुविधाओं का बहुत ध्यान रखा गया है और अभी कुछ क्योंकि यात्रा शुरू होने वाली है इसलिए साफ़ सफाई का काम चल रहा है, अभी हम देख रहे हैं। तो अदरवाइज़ हर जगह पर नीट एंड क्लीन हमें मिला है। और देखिए अगर फैमिली को थोड़ा सा सेपरेट रहना चाहते हैं विदाउट एनी चार्जेस, यहाँ पर ये रूम्स जो बने हुए हैं इस तरह के 200 कमरे हैं इनके पास, जिसमें अभी ये रूम्स बंद हैं इसलिए मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। अंदर इन्होंने मैट्रेस दिए हुए हैं और 3-4 मैट्रेसेस हैं, बेडशीट्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ में देखिए वॉशरूम्स बहुत सारे दिए हुए हैं इन्होंने, तो वो हम आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ तक आए हैं तो प्रसाद पाना तो बनता है। आइए लंगर, हम भी लंगर सेवा का थोड़ा सा हम प्रसाद लेंगे ज़रूर जब आए हैं यहाँ। और ऑफ कोर्स क्योंकि प्रसाद देखिए किसी भी रूप में हो बहुत स्वादिष्ट होता है, तो हम प्रसाद ज़रूर लेंगे। और उसके बाद बहुत सुंदर गार्डन यहाँ पर बने हुए हैं, हम वो भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स प्रसाद पा लिया है और बहुत अच्छे से हमने पूरी जगह हमने सारी देख ली है, आपको भी विज़िट करा दिया है। जल्दी से प्लान कर लीजिए अपना ट्रिप क्योंकि हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने वाली है और साथ ही चार धाम भी खुलने वाले हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, इवन सभी धर्म स्थल पर ये होना भी चाहिए और कई जगह होता भी है, जैसा कि कोई जाति धर्म ऊँच नीच सब एक बराबर होते हैं यहाँ पर। और कोई भी यहाँ पर आकर रह सकते हैं, इवन रूम्स भी, रूम्स के लिए ऐसा नहीं है कि आप सिख हैं तभी आपको रूम मिलेगा, आप किसी भी धर्म से हैं किसी भी जाति के हैं, यहाँ पर आपको लंगर और रूम सुविधाएं जो चीज़ें हैं सभी के लिए हैं और सभी को मिलेंगी। और पंजाबी में मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन मुझे अच्छे से पंजाबी आती नहीं है, बट इतना तो आता ही है दैट हम जो बोल सकते हैं, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जय।
जय माँ गंगे, हर हर गंगे। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए, और इसी तरह हम आपको घुमाते रहेंगे, नई नई जगह पर दिखाते रहेंगे, और इसी तरह से सजेस्ट भी करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो विज़िट आज हमने किया है वो भी आप लोगों के सजेशन पर ही किया है, लेकिन बहुत अच्छा लगा और बहुत एक मन की शांति जो होती है वो हमें मिली है। तो इसी तरह से जुड़े रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। धन्यवाद।